हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच कीजिए। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम एंड रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, इनके डायमेंशंस आपको मैच करना है। की कंसेप्ट, डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट के डायमेंशंस के लिए एस वी नो दैट फोर्स की वैल्यू होती है क्यू वी क्रॉस बी। वी हैव टू फाइंड आउट डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हो जाएगा फोर्स बाय क्यू वी। फोर्स होता है डायमेंशंस एम एल टी माइनस टू। चार्ज क्या होता है? करंट इनटू टाइम आई टी। ये होता है एम्पियर और टी का हो जाएगा टी। वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड। इसीलिए डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी एम वन टी माइनस टू ए माइनस वन। नेक्स्ट मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट होता है एन आई ए। तो ये होता है करंट इनटू एरिया। करंट होता है एम्पियर, एरिया होता है एल टू। अगला है रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। रेशियो होता है ई बाय टू एम। सो एम बाय एल का जो रेशियो है, अगर आपको डायमेंशन लिखना है तो आपको डायमेंशन लिखना पड़ेगा चार्ज और मास का। तो चार्ज होता है आई टी, एम्पियर इंटू टाइम। मास होता है किलोग्राम में, यूनिट होता है, तो ये हो जाएगा एम वन। इसीलिए डायमेंशंस ऑफ एम बाय एल इज एम माइनस वन ए टी। नेक्स्ट एज वी नो दैट स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड सी होता है वन बाय अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इसीलिए अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन होता है डायमेंशन ऑफ 1 बाय सी। इट मींस 1 बाय मीटर पर सेकेंड। इसीलिए डायमेंशंस ऑफ अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज एल माइनस वन टी। अब मैच कर लीजिए। मैच करने पर यू विल गेट A answer first, AR, BP, CQ, DS. Answer first. This is your answer. I hope you understood the solution very well. Best of luck. Thank you.